जब भी बात हम हेयर एंड स्किन की करें तो आपके दिमाग में सबसे पहला जो इंग्रेडिएंट आता है नेचुरल, वो क्या आता है सोचो। मेरे दिमाग में तो एलोवेरा जेल के अलावा और कुछ आता ही नहीं है। नमस्कार दोस्तों, फिर से एक बार स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही चैनल एडमायर ब्यूटी पर, जहां आपको मिलती हैं कमाल की होम रेमेडीज़। दोस्तों, गर्मी का मौसम आ गया है तो ऐसे में स्वेटर्स बिल्कुल पसंद नहीं आएंगे अगले महीने से। मुझे तो फ़िलहाल कोल्ड हो रखा है, इस वजह से मैंने थोड़ा वूलन पहना हुआ है, ठंड लग रही है। लेकिन आप में से काफ़ी लोगों ने स्वेटर्स को रख दिया होगा पैक करके। करना भी चाहिए, जो चीज़ बॉडी को सूट ना हो रखनी भी चाहिए। लेकिन ऐसे में स्किन और हेयर का क्या? तो विंटर से समर्स आ रहे हैं तो समर्स के लिए स्पेशल रेमेडीज़ भी होनी चाहिए। और ऑयल्स जो ज़्यादा हम विंटर्स में यूज़ कर सकते हैं, उसका अल्टरनेटिव ऑप्शन क्या है वो हम लोग ढूंढते हैं। तो आपकी स्किन को पैम्पर करने के लिए भी समर्स में स्पेशल रेमेडी होनी चाहिए। तो यहाँ पर आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कि एलोवेरा जेल आप कैसे स्टोर कर सकते हैं स्पेशली समर्स के लिए, कैसे आप बिल्कुल मार्केट वाला एलोवेरा जेल घर पर बना सकते हैं, और उसका इस्तेमाल करना भी मैं आपको बताऊँगी इस वीडियो में। तो जुड़े रहिएगा मेरे साथ ये स्पेशल समर्स की रेमेडी के लिए। आज से ट्राई करना शुरू करेंगे तो समर्स जैसे जैसे आगे बढ़ती जाएंगी, आपके हेयर एंड स्किन इम्प्रूव होते चले जाएंगे। अब आपको विंटर्स रेमेडी यूज़ करने की ज़रूरत इसलिए नहीं है क्योंकि गर्मियों में मॉइस्चराइज़र बहुत ही कम लगाते हैं या बहुत लाइट लगाते हैं, विंटर्स की तरह नहीं होता। तो ये रेमेडीज सारी जो अब मैं बताने वाली हूँ आगे चैनल पर फॉलो कीजिएगा अपनी स्किन और हेयर को ब्यूटीफुल बनाने के लिए। तो चलो फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करें। दोस्तों, अपनी स्किन को खूबसूरत बनाने के लिए ये जो इंग्रेडिएंट है एलोवेरा जेल, ये सच में धरती पर वरदान की तरह ही है। इस वरदान का इस्तेमाल आप लोग बखूबी कीजिए जिस तरह से मैं कर रही हूँ। मेरे यहाँ पर बहुत सारा एलोवेरा जेल है, पहले भी वीडियोस में शेयर कर चुकी हूँ। बहुत बड़ा बड़ा प्लांट्स हैं मेरे घर में एलोवेरा जेल के, एलोवेरा लीव्स हैं। मेरे घर पर जो एलोवेरा जेल की लीव्स ख़राब होने वाली होती हैं, उससे पहले ही मैं प्लांट से उन्हें काट कर रख लेती हूँ, और कैसे उसका इस्तेमाल करती हूँ इस वीडियो में आपसे वही शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पर आप देख रहे हो एलोवेरा जो है, यहाँ पर जो एक्स्ट्रा था मेरे गमलों में वो सारा का सारा मैंने निकाल लिया है। जिनकी लीव्स कहीं से कट लग गया है या फिर सूखती जा रही हैं, वो सारी लीव्स मैंने यहाँ पर निकाल ली हैं। एलोवेरा जेल निकालने का प्रोसीजर मैं बहुत बार पहले शेयर कर चुकी हूँ, और एलोवेरा से रिलेटेड बहुत सारी रेमेडीज आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ क्योंकि मैं खुद एलोवेरा को बहुत बहुत पसंद करती हूँ। तो यहाँ पर हमने लीव्स को काट लिया है, जो उनका काटे वाला पार्ट होता है ना, उसको पहले एक्सट्रैक्ट कीजिएगा। बेसिक अब तक तो आपको, अगर आप मुझे पहले से फॉलो कर रहे हो तो सीख गए होंगे एलोवेरा कैसे निकालना है। साइड का पार्ट निकालने के बाद दो टुकड़ों में उसको डिवाइड कर देना है आपको लीफ को, और अपने किसी भी चाकू से या चम्मच से आपको इजीली एलोवेरा जेल निकाल लेना है। थोड़ा सा केयर रखने की ज़रूरत होती है क्योंकि एलोवेरा जेल बहुत स्लिपरी होता है, तो हाथ से यूं ही फिसल जाता है। अभी आप देख रहे हो ना, यहाँ पर काफ़ी सारा एलोवेरा जेल निकलने वाला है, और ये एलोवेरा जेल हम एक बाउल में कलेक्ट करते जाएंगे। फास्ट मोशन में दिखा देती हूँ फटाफट फटाफट लीव्स को एक्सट्रैक्ट करते हुए। तो अभी आप देखिए, बहुत सारा एलोवेरा जेल मैंने निकाल कर रख लिया है अपने बाउल के अंदर। ये आप कैसे स्टोर कर सकते हो? अब इसे स्टोर करने के लिए आप कोई भी कंटेनर ले लीजिएगा, जो भी आपके पास अवेलेबल हो, एयर टाइट ढक्कन वाला, जो भी ढक्कन वाला कंटेनर हो उसके अंदर आप इसे फिल कीजिएगा, ढक्कन बंद कीजिएगा, और उसके बाद रेफ्रिजरेटर में रख दीजिएगा। एक दिन रखोगे तभी बर्फ़ जम जाएगी। जी हाँ, एलोवेरा को फ्रोज़न करके आप काफ़ी दिनों तक यूज़ कर सकते हैं, मतलब महीना दो महीना आराम से। लेकिन लिड ज़रूर होना चाहिए, अदरवाइज़ रेफ्रिजरेटर की जो अपनी गैसेस होती हैं वो इस एलोवेरा को ख़राब कर सकती हैं। तो लिड लगाकर हमने यहाँ पर रख दिया है, और आप यहाँ देख सकते हैं कितना टाइट हो चुका है, कितना हार्ड हो चुका है, कहीं भी जाने वाला नहीं है। फ्रोज़न एलोवेरा आपके लिए तैयार हो गया है। गर्मियों में अगर आप अपने फेस पर डायरेक्ट एलोवेरा लगाते हैं तो इससे अच्छा ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा। आप आइस क्यूब बना लीजिए, आइस क्यूब ट्रे होती है ना, उसके अंदर जमा लीजिए एलोवेरा जेल को, और उसको आप रोज़ाना अपने फेस पर यूज़ कर सकते हैं। अगर स्पेशली आपको ओपन पोर्स की प्रॉब्लम है तो आपको उसमें बहुत हेल्प करेगा ये ठंडा ठंडा एलोवेरा जेल, और स्किन की कंडीशन को सुधारने का भी काम करेगा। सन बर्न से बहुत राहत देता है एलोवेरा जेल। जब भी आप बाहर से आएँ, अपना फेस वॉश करें और इस ठंडे ठंडे एलोवेरा जेल को अपने फेस पर रब करें, बहुत रिलीफ मिलेगा, और आपकी स्किन का भी जितना स्ट्रेस है वो सब निकल जाएगा। अब आपको बाजार जैसा एलोवेरा जेल कैसे बनाना है वो हम देखते हैं।
तो यहाँ पर जो एलोवेरा है मैंने बाहर निकाल के रख लिया था कम से कम 4-5 घंटे के लिए और ये बिल्कुल मेल्ट हो चुका है। अभी हम एक ब्लेंडिंग जार के अंदर इसे डाल देंगे, हमें ब्लेंड करना है बिल्कुल अच्छे से, इसका लिक्विड बना लेना है। आपने देखा होगा एलोवेरा जेल को हम जब ब्लेंड करते हैं तो उसके अंदर पानी की मात्रा ज़्यादा नज़र आती है, कुछ भी जेल जैसा बचता नहीं है। तो आपको क्या करना है उसका सिचुएशन में वो आगे बताने वाली हूँ। अच्छे से इसे ब्लेंड करने के बाद आपको लेना है एक कढ़ाई, कोई भी घर का बर्तन ले सकते हैं आप, उसके अंदर आपको इसे छान कर डालना है। एक बड़ा सा स्ट्रेनर ले लिया है मैंने यहाँ पर और छान लेते हैं इसको। एक स्पून की हेल्प से इसे चलाते रहिएगा ताकि, क्योंकि जेल थोड़ा सा थिक होता है तो छलनी से निकलने में प्रॉब्लम करेगा, तो आप जब इसको चलाएंगे अच्छे से तो बिल्कुल अच्छे से आपकी कढ़ाई में आ जाएगा। और इसमें देखिए अभी आप, मेरा काफ़ी सारा एलोवेरा जेल बाद में बचा है तो मैं इसको भी बिल्कुल वेस्ट नहीं करूँगी। मैं इसे कांच के कंटेनर में भरकर और ढककर फ्रिज में रख दूँगी। तो मुझे अपने बालों के लिए जब भी कोई रेमेडी लगानी है या फिर ऐसे भी लगाना है तो मैं इसे रॉ ही इस्तेमाल करूँगी अपने बालों पर। बहुत ही अच्छी सी कंडीशनिंग का काम करता है। अब बात करते हैं कढ़ाई वाले एलोवेरा जेल का आपको क्या करना है। कढ़ाई को रखिएगा गैस पर, गैस पर इसे पकाइएगा। ये जो एलोवेरा की क्वांटिटी है जब तक 100 ml नहीं हो जाती है तब तक हमें इसे खदकाना है, सिर्फ 100 ml ही बचनी चाहिए। एक बहुत इंपॉर्टेंट टिप कि एलोवेरा जेल के अंदर की जो भी गंदगी होगी ना वो झाग के रूप में बाहर आएगी। तो आपको क्या करना है, ये जितने भी कढ़ाई के ऊपर झाग आ जाते हैं इसको एक्सट्रैक्ट करना है, एक्सट्रैक्ट करके निकाल कर फेंक देना है, उसका इस्तेमाल मत कीजिएगा। एकदम प्योर एलोवेरा जेल का हम इसमें इस्तेमाल कर रहे हैं और देखो कितना नेचुरल है, कितना अच्छा है। घर में बना रहे हो तो इसे बड़े ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा एलोवेरा का। गैस का फ्लेम हम ऑफ कर देंगे, इसे थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे, बिल्कुल ठंडा नहीं करना है, हल्का गुनगुना रहे। अब हल्का गुनगुना हो चुका है एलोवेरा जेल और हमने इसे ट्रांसफ़र कर लिया है एक कांच के बाउल के अंदर। इस प्रोसेस में आपको कांच के बर्तनों का इस्तेमाल ज़्यादा करना है क्योंकि किसी और मेटल के साथ अगर आप एलोवेरा जेल को इस्तेमाल करोगे तो वो जेली फॉर्म में नहीं बन पाएगा। तो इसलिए मैंने आपको बोला कांच के बाउल का इस्तेमाल करें अगर आप सेम वीडियो फॉलो करना चाहते हैं, सेम रिज़ल्ट चाहते हैं। अब हम इसके अंदर मिलाएंगे 1/2 चम्मच जिलेटिन पाउडर। ये प्लांट बेस्ड जिलेटिन है, इसका अल्टरनेट भी आता है, वो ऑप्शन वो है अगर अगर पाउडर। दोनों के ही लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप जाकर खरीद सकते हैं। हमारा जो मेन पर्पस है ना वो स्किन और बालों का है, दोनों में ही ये अच्छे से काम करता है। ये मिक्स कर देना है अच्छे से, घुल जाएगा बिल्कुल। यहाँ पर देखिए इसलिए मैंने आपको बोला क्योंकि आपका थोड़ा सा गर्म होना चाहिए एलोवेरा जेल, जिलेटिन पाउडर आराम से घुलता है उसमें। अब इसके अंदर आपको ऑयल्स ऐड करने हैं स्किन और हेयर के लिए। कोकोनट ऑयल वरदान होता है तो हम वो ऐड करेंगे। 2 चम्मच यहाँ पर हमें डालना है कोकोनट ऑयल। ऑयल्स का ऑप्शन मैं आप पर छोड़ती हूँ, जो भी आप डालना चाहें। आपको लगता है आपकी स्किन को बालों को बहुत अच्छे से सूट करता है, आप आलमंड ऑयल भी डाल सकते हैं, 1 चम्मच भर के इसके अंदर आलमंड ऑयल डाल सकते हैं, लेकिन प्योर होना चाहिए। मैं अपने एडमायर एंजल चैनल पर आपकी एक बहुत ही दुविधा को ख़त्म करने वाली हूँ जो कि है कौन सा अच्छा आलमंड ऑयल है मार्केट में। गलत समझ जाते हैं लोग और डिफरेंट प्रोडक्ट्स जिनमें केमिकल्स होते हैं वो यूज़ करते हैं या फिर मिनरल्स ऑयल वगैरह मिले होते हैं वो यूज़ करते हैं, इसकी वजह से रिजल्ट्स नहीं मिल पाते, जाकर ज़रूर देखना। अब इसके अंदर डालेंगे 1 विटामिन ई का कैप्सूल। क्वांटिटी आपके ऊपर है, आप 2 भी डाल सकते हैं विटामिन ई का कैप्सूल, उसके बहुत रिजल्ट्स अच्छे हैं आपकी स्किन को और आपके हेयर को लेके। अब हम इसके अंदर एक और सुपर इंग्रेडिएंट डालने वाले हैं जो कि है हल्दी। जी हाँ, इससे हमारे जो एलोवेरा जेल है उसको बहुत नेचुरल सा प्यारा सा कलर मिलेगा। दूसरी बात, हल्दी आपकी स्किन के लिए भी बहुत बेनिफिशियल होती है, आप बालों पे भी लगा सकते हो, ऐसा कुछ नहीं कि नहीं लगा सकते। इसके अंदर एंटी बैक्टीरियल गुण होते हैं जो आपकी स्किन के, हेयर की, स्कैल्प की किसी भी इन्फेक्शन को भी ख़त्म कर सकते हैं, तो हल्दी इसके अंदर डालेंगे। अब हमें अच्छे से इसे मिक्स करना है। अगर आप जल्दी में हैं तो आप इसे थोड़ी देर फ्रिज में रख दीजिए, ये अपने आप ही कन्वर्ट हो जाएगा अच्छे से जेल में। लेकिन क्योंकि फ्रिज में रखने के बाद मैंने इसे बहुत अच्छे से फेंट लिया था तो उसकी वजह से अभी आपको ट्रांसपेरेंट नहीं दिख रहा, वरना ये एलोवेरा जेल ट्रांसपेरेंट ही दिखता है क्योंकि हमने इसके अंदर कोकोनट ऑयल डाला है। अगर आप कोकोनट ऑयल नहीं डालते हो तो ये एलोवेरा जेल बिल्कुल ट्रांसपेरेंट ही जमेगा। तो ये बिल्कुल मार्केट जैसा एलोवेरा जेल आपको नज़र आएगा। अभी ये देखिए ये एलोवेरा जेल कितना सुपर थिकनेस, इसकी कितनी सुपर हो गई है। जितनी मैंने क्वांटिटी बताई है अगर उसी हिसाब से फॉलो करोगे तो बिल्कुल ऐसा ही एलोवेरा जेल आपको मिलेगा। तो ये एलोवेरा जेल आप अपनी स्किन पर यूज़ करें, आप अपने बालों पे, स्कैल्प पर यूज़ करें, कैसे भी यूज़ करें, आपके पास अपना होममेड बिना केमिकल्स बिना प्रिजर्वेटिव का एलोवेरा जेल है। लेकिन समर्स में चीज़ें जल्दी ख़राब होती हैं तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, आपको एलोवेरा जेल 1 हफ्ते से ज़्यादा बनाकर नहीं रखना है, किसी एयरटाइट कंटेनर में रखना है इसे स्टोर करके, और 1 हफ्ते तक आप ठंडा ठंडा एलोवेरा जेल आराम से यूज़ कर सकते हैं।
तो दोस्तों इस वीडियो को फॉलो करके देखना, बहुत अमेजिंग रेमेडी है और आगे आने वाली है सारी समर्स की रेमेडी, क्योंकि आपकी स्किन और आपके बाल समर्स में बहुत ही ज़्यादा केयर मांगेंगे और उसमें आपको क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल करनी चाहिए वो सब मैं इस वीडियो में लेकर आई हूँ। आई होप आप लोगों को पसंद आई हो आज की वीडियो। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को एंड माय ब्यूटी फैमिली को और बड़ा बनाइएगा और इस वीडियो को थम्स अप दे दीजिएगा। अब मैं आपसे मिलती हूँ एक और कमाल की रेमेडी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।